डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हार्दिक त्रिपाठी, यूपी के जनपद रायपुर। लॉकडाउन लगने के बाद अब स्कूल खुले हैं तो पहले से ही महामारी और स्कूल की फीस की मार झेल रहे अभिभावकों पर स्कूल प्रबंधन ने अनावश्यक दबाव डालना भी शुरू कर दिया है। निजी स्कूलों के प्रबंध तंत्र द्वारा मनमानी फीस को लेकर अब अभिभावकों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है, जिसको लेकर स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच विवाद चल रहा है। अभिभावकों का कहना है कि फीस किस बात की जब स्कूल खुले नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधक फीस लेने के लिए जीत पर हैं। इसी तरह का एक मामला आज देखने को मिला, जब स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच झड़प हुई। सेंट जेम्स स्कूल गोरा बाजार में अभिभावकों और प्रिंसिपल के बीच कहासुनी हो गई, जब स्कूल से बच्चों को सिर्फ इसलिए वापस कर दिया गया क्योंकि उनकी वार्षिक फीस नहीं जमा है। जब अभिभावक स्कूल गए तो स्कूल के प्रिंसिपल ने यह कहते हुए वार्षिक फीस, खेल फीस और बिल्डिंग का मेंटेनेंस चार्ज मांगा। अभिभावकों के अनुसार प्रिंसिपल ने कहा कि सभी स्कूल ले रहे हैं इसलिए हम भी ले रहे हैं, जबकि अभिभावक कह रहे हैं कि जब स्कूल खुला नहीं तो मेंटेनेंस चार्ज कैसा, बच्चे जब खेले ही नहीं तो खेल का पैसा कैसा, लेकिन स्कूल अपनी बात पर अड़ा है। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। मैं अपना परिचय दे दीजिए, क्या मामला है यहाँ पे? मेरा नाम सीमा सिंह है जी, और मेरी बेटी सेकंड क्लास में पढ़ती है जी। और हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, कोई हमारे पास इतनी बड़ी इनकम नहीं है। किस विद्यालय में? सेंट जेम्स स्कूल में। हम लोग खाली फीस देने के लिए राजी हैं जी। एनुअल फीस या नहीं, और बाकी कोई चार्ज हम लोग नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या चार्जेस एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं? क्या चार्जेस बताए जा रहे हैं आप लोग? भैया अपना परिचय दे दीजिए, क्या मामला हुआ यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा लड़का फोर्थ बी में पढ़ता है। किस विद्यालय में? इसी सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज जी। एक भी दिन क्लास नहीं आया है और पूरी की पूरी फीस ले रहे हैं, एनुअल फीस भी ले रहे हैं। और बोलो तो बोलते हैं कि नहीं, हर स्कूल ले रहा है इसीलिए हम भी ले रहे हैं, बिल्डिंग चार्ज भी ले रहे हैं, स्पोर्ट्स का भी ले रहे हैं। और हैंडीकैप का क्या है? इन लोग हैंडीकैप का भी बोल रहे हैं, हम लोग हैंडीकैप की मदद करते हैं उस, इसलिए हमें पूरा चार्ज लेना पड़ रहा है, ये वो और भी कई चीजें बता रहे हैं। ये किस किन्होंने बोला है? प्रिंसिपल साहब? ये प्रिंसिपल बोल रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए और क्या मामला है, किस विद्यालय का मामला है? मैं सर, हमारा नाम प्रीति सिंह है सर। हमारी बच्ची यहीं सेंट जेम्स स्कूल में सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में पढ़ती है सर, सेकंड टीम। आज यहाँ आप लोग क्या? सर यहाँ मंथली चार्ज 3 महीने की फीस हमारे बच्चे की जमा है और मंथली चार्ज हम भरने के लिए तैयार हैं सर। एनुअल चार्ज एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, 5-6 हज़ार रुपये हम कहाँ से दें सर, ये चीज़ है। और हमारा और रोज हमारे कल आए सर, हमको कॉपी नहीं मिली, वापस कर दिया गया, ये सब चीज़ सर। खाली मंथली चार्ज लिया जाए बस, मैं यही चाहता। मतलब विद्यालय से बच्चों को वापस कर दिया जा रहा है जी। डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।